हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग ट्रिक्स 377। आज हम बात करेंगे पजल्स की। जो भी आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ की बात करें, एसबीआई क्लर्क की बात करें, पजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर बात करोगे प्रीलिम्स एग्जाम की, तो पजल आपको जो है 35 जो रीजनिंग की क्वेश्चन रहते हैं उसमें से आपको पजल जो है 20 से 25 मार्क्स की देखने को मिलेगी। तो पजल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स में, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पजल से आप भाग नहीं सकते, आपको पजल जो है करना ही पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा बेसिक लेवल्स की पजल्स। जो भी बेसिक लेवल की पजल है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2018 में आ चुकी है। आप देखिए कितनी ईजी पजल जो है पूछी गई थी, जिसमें आप एक पजल को आराम से जो है 2 से 3 मिनट्स में जो है आप आराम से इजीली कर पाओगे, अगर आप ये देख लेते हैं कि पजल को इजीली कैसे सोल्व करते हैं। और जो कि बहुत इजी लेवल की क्वेश्चन पूछे गए थे आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2018 में, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे अप्रोच करते हैं पजल्स को, और पजल को जल्दी करने का कौन सा तरीका है। ठीक है, एक बात है कि पजल का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पजल पूरी पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई कहता है कि पजल का शॉर्टकट है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पजल आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो है यूज टू में पजल आएगी, और आप इजीली इसको एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे पजल्स की, जो आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2018 में पूछी गई थी। ठीक है, आज मैं आपको दो पजल कराऊंगा बेसिक लेवल की। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल करेंगे, बेसिक लेवल के अच्छे खासे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं आईपीएस क्लर्क हो या फिर एसबीआई क्लर्क हो या फिर पीओ के एग्जाम हो, जितने भी आए हैं हम सारी जो पजल्स है सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको पजल बताऊंगा जिसकी वेटेज आपको, एक पजल की वेटेज 5 रहती है, मतलब 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक पजल के बेस्ड पर, जिसमें से आपको अगर आपने पजल सोल्व कर ली तो आपको 5 मार्क्स जो है आप इजीली गेन कर लोगे। ठीक है, तो सिलेक्शन में जो है पजल जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना पजल के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको पजल की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर आपको बैंकिंग में जो है सिलेक्शन चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बैंकिंग ट्रिक्स 377 को, और नोटिफिकेशन के बेल को भी जो है ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं पहली पजल जो कि हमारी आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में आई थी। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ईजी पजल थी, आईबीपीएस क्लर्क 2018 में प्रीलिम्स में पूछी गई थी ये पजल, जो कि बहुत ईजिली आप इसको कर सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी आपने कर रखी है तो। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा पजल को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका, और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप सारे बेसिक सीख जाएंगे पजल करने के, कि पजल को कैसे क्रैक किया जाता है, और आप कोई भी पजल जो है इजिली बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पजल को। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देर आर 7 पर्सन, कि 7 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी, दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, जो कि कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, पुणे है, लखनऊ, अहमदाबाद एंड दिल्ली, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब देखो कि 7 पर्सन है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है कि पजल दी है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की ट्राई भी कर सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, 7 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी। सबसे पहले जब भी ऐसी पजल आए जिसमें आपको पर्सन का नाम दिया गया हो और उनके जो है बिलोंग्स दिया हो, या बिलोंग्स कहाँ से करते हैं या फिर उनको क्या क्या पसंद है, कुछ ऐसा आता है लाइक करते हैं फ्लावर्स या फिर लाइक करते हैं फ्रूट्स, ऐसा कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहले आपको अप्रोच कैसे लेनी है, यहाँ पे जितने भी पर्सन है सबके नाम जो है इस टाइप से आपको लिख लेने हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, तो आपने ये जो 7 नेम जो है आपने पर्सन के लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज जो भी यहाँ पे बताएगा उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, डी बिलोंग्स टू पुणे। ठीक है, जो डी है वो पुणे से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे डी डी के नीचे लिख देंगे पुणे। ठीक है, डी जो है पुणे से बिलोंग करता है। फिर बोलता है नाइदर ए नोर एफ बिलोंग्स टू कोलकाता, ना ही ए और ना ही एफ कोलकाता से बिलोंग नहीं करते, तो हम इसके ऊपर हल्का शॉर्टकट में लिख लेंगे कोलकाता, इसको कट कर ले कोलकाता से नहीं है, और एफ भी जो है हमारा कोलकाता लिख के इसको कट कर लेगी, कोलकाता से नहीं बिलोंग करते। ठीक है, उसके बाद लिखता है बी बिलोंग्स टू अहमदाबाद। ठीक है, अब तो बी बिलोंग्स टू अहमदाबाद है तो हम इसको छोटा सा लिख लेंगे अहमदाबाद। ठीक है, मतलब बी हमारा बिलोंग्स करता है अहमदाबाद से। उसके बाद लिखा है सी डज नॉट बिलोंग्स टू कोलकाता एंड लखनऊ, सी जो है कोलकाता से भी बिलोंग नहीं करता है और हमारा लखनऊ से भी बिलोंग नहीं करते हैं। हम फ्रेंड्स पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, टाइम की ही वैल्यू है प्रीलिम्स और रिमेंस की बात करें अगर बैंकिंग सेक्टर में, तो हमने ऐसे कट कर लिया इसको। ठीक है, सी लखनऊ से भी बिलोंग नहीं करता है और कोलकाता से भी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं जी बिलोंग्स टू मुंबई, तो हम यहाँ पे छोटा सा लिख लेंगे जी बिलोंग्स टू
मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू लखनऊ एंड चेन्नई। ए जो है हमारा लखनऊ से भी बिलोंग नहीं करता है और चेन्नई से भी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो हमारी जो है ये इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई है। अब देखिए फ्रेंड, ए जो है हमारा कोलकाता से भी नहीं है, लखनऊ से भी नहीं है, चेन्नई से भी नहीं है। ठीक है, और ए जो है अहमदाबाद से भी नहीं हो सकता क्योंकि बी ने कवर कर रखा है अहमदाबाद को, पुणे से भी नहीं हो सकता और मुंबई से भी नहीं हो सकता। तो ए जो है कहाँ से होगा हमारा, आप ऑप्शन में देखिए, कोलकाता से भी नहीं है, मुंबई से भी नहीं है क्योंकि मुंबई जी में आ गया है, चेन्नई से, चेन्नई से भी नहीं है, चेन्नई क्रॉस में है, पुणे, पुणे से भी नहीं है क्योंकि पुणे डी में आ चुका है, लखनऊ से, लखनऊ क्रॉस है, लखनऊ से भी नहीं हो सकता, अहमदाबाद से, अहमदाबाद जो हमारा बी में आ रखा है, अहमदाबाद से भी नहीं हो सकता, बचा दिल्ली, तो दिल्ली से हमारा जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया दिल्ली से। अब देखिए कोलकाता बचा, सी कोलकाता से नहीं है और एफ भी कोलकाता से नहीं है, तो ई जो है हमारा कोलकाता से हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा लखनऊ बचा है, सी जो है लखनऊ से नहीं है, तो बचा एफ, एफ जो हमारा हो गया लखनऊ से, और जो बाकी एक लास्ट बचा है वो हमारा हो गया सी हो जाएगा। क्या बचा हमारा, आप देख सकते हैं, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, नहीं चेन्नई नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया सी, चेन्नई से। ठीक है, तो ये हमारी जो है पजल इजिली पूरी हो गई है। ठीक है, ये हमारी पजल जो है सोल्व हो गई है। अभी मैंने आपको समझाया है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है, 3 से 4 मिनट, लेकिन आप, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको इजिली इजिली जो है विद इन 2 मिनट्स में आप कर ले जाएंगे ऐसी पजल्स को। और देखिए फ्रेंड्स, जो IBPS क्लर्क के एग्जाम होते हैं या फिर SBI क्लर्क की बात कर लो, RRB, PORRB क्लर्क में इसी लेवल की पजल जो पूछी जाती है। अब आपको मैं हाई लेवल की पजल बताऊंगा बिल्कुल, तो आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, जिस और जो अच्छे से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है बेसिक जब आपका क्लियर होगा तभी आप जो है हाई लेवल की पजल जो है सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप बेसिक लेवल की पजल अच्छे से सीखें, इनको आप सोल्व करें। ऐसे ही पजल्स जो है पूछी जाती है प्रीलिम्स के एग्जाम में, आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसमें इससे हार्ड लेवल की पजल नहीं पूछी जाती है क्लर्क के एग्जाम में। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जो है बिगिनर्स है, अभी स्टार्ट किया जिन्होंने, 1 साल हुआ है उनको, तो आप जो है बेसिक से स्टार्ट कीजिए और हाई लेवल तक जाइए। ठीक है, तो ये पजल जो है आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ये जो है पजल बन गई है। अब हम इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछता है हु बिलोंग्स टू कोलकाता, तो आप कोलकाता कौन बिलोंग करता है, तो कोलकाता जो है ई बिलोंग करता है, तो हमारा ई जो है इसका ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दीज जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कि हमारा जो है कोलकाता नन ऑफ दीज जो है ऑप्शन है, तो हम ई को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विच इज ट्रू, हमारा कौन सा ट्रू है, ए बिलोंग्स टू दिल्ली, ए बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है, हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें बाद में भी चेक करना है तो आगे भी कर सकते हैं, जी दिल्ली से है, जी। इस क्वेश्चन में जो थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे कोलकाता की जगह आप लिख सकते हैं मुंबई। ठीक है, कि दो ऑप्शन हमारे सही नहीं हो सकते, मिस्टेकली लिखा गया है। तो ई जो है हमारा मुंबई से भी नहीं है क्योंकि ई हमारा कोलकाता से है, एफ पुणे से, एफ पुणे से भी नहीं है, एफ लखनऊ से है, तो हमारा जो है इसमें ए ऑप्शन जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, एफ बिलोंग्स टू, एफ जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो हम देख सकते हैं एफ बिलोंग्स टू लखनऊ। ठीक है, तो एफ हमारा कहाँ से है इसमें, यहाँ पे लखनऊ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन अगर देखा जाए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन पूछता है ए बिलोंग्स टू कहाँ पर। ठीक है, ए बिलोंग्स टू, अगर हम ए देखें तो हमारा दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे जो है ए को, ए ऑप्शन जो है टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हु बिलोंग्स टू मुंबई, फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए, हु बिलोंग्स टू मुंबई, तो मुंबई से कौन बिलोंग करता है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया है, मुंबई से जो है हमारा जी बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो है हु बिलोंग्स टू मुंबई, जी जो है बिलोंग्स टू मुंबई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना इजिली हमने जो है 5 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए, विद इन 2 to 3 मिनट्स आप जो है इजिली 5 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और आपको पता है कि आपको प्रीलिम्स में सिर्फ 20 मिनट्स दिए जाते हैं, अगर आप पजल नहीं करोगे तो पजल कम से कम 20 मार्क्स की जो है पजल आती है, अगर आप 20 मार्क्स स्किप करते हो, अगर अच्छे से नहीं करते या फिर एक पजल करते हो 10 to 12 मिनट्स में, तो आपका जो है सिलेक्शन जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, सिलेक्शन लेना आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है आप पजल्स भी प्रैक्टिस करो, इसी टाइप की पजल जो है पूछी जाती है प्रीलिम्स के एग्जाम में, चाहे बीपीएस क्लर्क की बात करें या एसबीआई क्लर्क की बात करें। अब मैं धीरे धीरे जो है इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा, जिससे आपको जो है हार्ड लेवल की पजल भी जो है आप इजिली कर पाएंगे पेपर में को सोल्व। ठीक है, तब हम दूसरी पजल की बात करते हैं, जो कि सेकेंड पजल जो पूछी गई थी IBPS क्लर्क 2018 में। ठीक है, ये पजल भी देखिए आप कितनी इजीली पूछी गई थी, कितनी बहुत इजी पजल है, आप इसको करोगे तो आप कहोगे कि बिल्कुल हलवा पेपर आया था IBPS क्लर्क 2018 में। ठीक है, इसको भी आप, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, इसको भी आप विद इन 3 मिनट्स में जो है इस पजल को आराम से क्रैक कर ले जाओगे विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा गया, 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, जो है 12 पर्सन जो है पैरेलल रोज में बैठे हैं, फेस ईच अदर कर रखे हैं, क्यों, RSTUV आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ। ये देखिए रो 1 में बैठे हैं और फेस साउथ कर रखे हैं, कौन कौन बैठे हैं, क्यों, आर एस
TUV। अब हम ऐसे लिख लेंगे इसको, जैसे भी हमारा पैरेलल रोज का जो क्वेश्चन आए, सबसे पहले एक फेस साउथ का रखा होगा, एक फेस नॉर्थ का रखा होगा। तो हमने साउथ की तरफ इसमें बताया हुआ है कि साउथ में का रखा है फेस रो 1, रो 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया, और कौन कौन बैठा है, QRSTUV, ताकि हमको याद रहे कि इस रो में कौन बैठा है, ठीक है। सेकेंडली वो बोलता है BCDEFG आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो हम एक रो 2 बनाएंगे, इसमें हमारा 2 लिख देंगे यहाँ पर, कौन कौन बैठता है, BCDEFG, ताकि हमको जो है पढ़ने में आसानी रहे, बार बार इसको क्वेश्चन में ना देखना पड़े कि ई कहाँ पे बैठे और एस कहाँ पे बैठे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, ठीक है, ये सब पर्सन जो है यहाँ पे बैठते हैं। अब बोलते हैं जी सिट थर्ड रो राइट टू बी। सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको एक बार बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई जो है फेस कर रहा है नॉर्थ, सो साउथ फेस कर रहा है, तो अगर हम बोलेंगे राइट एंड कौन सा है, तो ये हमारा जो है राइट एंड होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है हमारा लेफ्ट एंड होगा। और अगर नॉर्थ फेस का रखा है, तो हमारा ये जो ये वाला एंड होगा, ये होगा हमारा लेफ्ट एंड, और ये वाला जो हमारा होगा यहाँ पर राइट एंड होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है समझना पड़ेगा। और कहता है कि साउथ फेस है सी के लेफ्ट में, तो सी का लेफ्ट हमारा यहाँ पे नहीं होगा, सी का लेफ्ट हमारा जो है यहाँ पे होगा, सी के लेफ्ट में इधर पे हमारा जो है लेफ्ट बोला जाएगा, और इधर पे जो हमारा राइट बोला जाएगा। लेकिन अगर हमारे फेस का रखा है नॉर्थ, अगर मान लो सी ने नॉर्थ फेस किया हुआ है, तो सी का जो लेफ्ट होगा वो यहाँ पे होगा और राइट होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में होती है, लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन। तो आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर सी ने फेस का रखा है साउथ, तो उसका राइट जो है इधर की तरफ होगा, लेफ्ट जो है इधर की तरफ होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है अभी, ठीक है। अगर सी ने नॉर्थ फेस का रखा है, तो उसका लेफ्ट लेफ्ट की तरफ होगा और राइट जो है इधर की तरफ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट आपको जो है ध्यान में रखना है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिए पजल पढ़िए। अब जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी जो है इस रो में आता है, तो जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा जी बैठता है, ठीक है। एंड वन ऑफ देम सीट एट द एंड ऑफ द रो, और इनमें से कोई एक जो है एंड पे बैठता है रो के, ठीक है। तो एंड पे कौन बैठता है, इसमें हमारे दो केस बनेंगे, तो जी एंड पे होगा या फिर बी एंड पे होगा। तो हम इसके दो केस बना लेंगे, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं जी को जो है एंड पे लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 पर्सन बैठे, 12 पर्सन है, 6 एक रो में, तो हमने जी को वो ले लिया एंड पे बैठता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम सेकेंड केस लेते हैं, इसी का और ऐसे करके बना लेंगे, अगर आपके पास जगह यहाँ पे है तो आप यहाँ पे ही बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सेम लेना है नॉर्थ साउथ। अब हमारा दिया था जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, अब हम यहाँ पे हमने लिया था जी एंड पे बैठ रहे, अब हम यहाँ पे ले लेंगे कि दूसरा केस बी एंड पे बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। हमने दो केस क्यों बनाए, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है, इनमें से कोई एक जो है एंड पे बैठता है, तो हमें नहीं पता है कि बी बैठता है जी बैठता है, तो हमने एक बार जी को ले लिया एंड पे बैठता है, ठीक है, एक बार हमने बी को ले लिया एंड पे बैठता है, तो हमारे दो केस बन गए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं क्या बोलते हैं, क्यों सिट एट द राइट एंड ऑफ द रो, क्यों जो है हमारा राइट एंड पे बैठता है, ठीक है, क्यों जो है हमारा इस रो में, तो राइट एंड कौन सा है यहाँ पे, हमारा ये वाला जो है कि राइट एंड हो गया, ठीक है, क्यों सीट एट द, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से दोनों केस में जो है क्यों को राइट एंड पे हमने बिठा लिया, ठीक है। अब वो बोलते हैं 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यों एंड टी, क्यों टी के बीच में 3 पर्सन सिट बैठते हैं। सबसे पहले देखिए 1 2 3, और ये हमारा टी आ गया, ठीक है। तो हमें इसके बराबर कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे 6, क्यों टी के बीचे हमारे कितने पर्सन है, 1 2 3 3 पर्सन। यहीं पे इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेंगे, 1 2 3, यहाँ पे टी बैठता है और ये यहाँ पे 6 हो गए पूरे, ठीक है, क्यों टी के बीच में 3 पर्सन बैठे है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम पढ़ेंगे एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी के है, ठीक है, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट है जी के, जी का लेफ्ट ये है और यहाँ पे जी का लेफ्ट ये, दोनों केस में हमें साथ साथ फिल करना है, क्योंकि अगर आप करोगे एक केस ये कर लिया, फिर एक केस अगर ये गलत साबित होता है, आप कहते हो दूसरे केस में फिर जाते हो, तो उसमें आपको क्या होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इसमें टाइम लग जाता है, तो आप दोनों केस को साथ साथ लेके चलिए, ठीक है। अब देखिए वो बोलते हैं 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, एफ और सी के बीच में इधर तो आ नहीं सकता है, तो 1 2 और सी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 1 2 सी यहाँ पे आ जाएगा, एफ और सी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। इसका सी हु फेसिस आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी जो कि आर को फेस करता है, सी हु फेसिस आर, ये यहाँ पे आर आ जाएगा, सी हु फेसिस आर,
ठीक है, सी हु फेसेस आर, शिफ्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में है तो ई जो है यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ई के इमीडिएट राइट में सी है, ई के इमीडिएट राइट में सी है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन वाइज जो अब चल रहे हैं, सी हु फेसेस आर सिट्स, मतलब जो ये सिट्स लिखा है ये हु फेसेस आर मतलब सी के लिए लिखा गया, आर के लिए नहीं लिखा गया, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। अब हमारा एक गैप बचा है, तो आप इसमें देख सकते हैं आप क्या आएगा, यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी बचा हमारा, डी यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरीके से डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एस फेसिस डी, एस जो है डी को फेस करता है, अब ये देखिए एस जो है डी को फेस करता है, तो हमने एस यहाँ पे डाल दिया और एस जो है डी को फेस करता है, तो एस हमने जो है यहाँ पे डाल दिया। यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यू जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस में बैठता है, तो यहाँ पे एस है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो है यू नहीं आ सकता क्योंकि टी हो, तो ये हमारे जो है केस गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। तो इस केस में अगर हम आते हैं, यू जो है इमीडिएट लेफ्ट है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। और एक जो गैप बच गया, इसमें हमारा क्या है, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी, ठीक है। तो ये हमारी जो है पजल सोल्व हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी इजीली हमने इस पजल को जो है सोल्व कर लिया है, ये हमारी पजल का जो आंसर है। अब इसके बेस पे हम जो है क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो टू, रो टू के, ये हमारी रो वन थी, ये हमारी रो टू थी, ठीक है, एक्सट्रीम एंड ऑफ रो टू में कौन बैठता है, बी और सी, ठीक है, बी नहीं है, जी नहीं है, बी और सी, हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग वी, मतलब जो भी वी को फेस कर रहा है उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठता है, फेसिंग वी, वी को कौन फेस कर रहा है, जी, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब वी के फेस कर रहा है जी, इसके सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड, तो डी हमारा जो है बैठता है, इसमें हमारा ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज फेसिंग एफ, एफ को कौन फेस कर रहा है, तो एफ यहाँ पर है, एफ को कौन फेस कर रहा है, यू फेस कर रहा है, ठीक है, एफ को कौन फेस कर रहा है, यू फेस कर रहा है, तो हमारा बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, डी के थर्ड राइट में कौन बैठता है, तो डी हमारा कहाँ पर है, डी हमारा ये है थर्ड राइट, राइट इधर आएगा क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड राइट में हमारा कौन है, ई है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हमने कितनी इजिली जो है आईबीपीएस क्लर्क 2018 में जो दो पजल आई थी उसको सोल्व कर लिया है, बहुत ईजिली आप भी सोल्व कर सकते हैं, बस आपको जो है प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन मिले वो आपको लगा लो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका थोड़ा मॉडरेट लेवल की पजल लेके आऊंगा, जो भी आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ 2018 में जो पूछी गई थी उसको भी मैं दिखाऊंगा कितनी इजीली पजल जो है पूछी गई थी, आप इजीली जो कर सकते हैं उनको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इजीली गेन कर सकते 20 मार्क्स पजल से, 20 में से कम अगर पीओ का एग्जाम आप 15 मार्क्स तो इजिली ले आओ, कलर का एग्जाम तो आपको कुछ सोचना ही है, 20 में से 20 आपके ही है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभी ये कलर का ही पजल मैंने आपको दी हुई है जो 2018 में पूछी गई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं एसबीआई क्लर्क की पजल भी आपके सामने लेके आऊंगा। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है पजल सोल्व करने की, तो आप मेरे बैंकिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बैंकिंग ट्रिक्स 377 को, और आपको कोई भी वीडियो की अपडेट चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम आती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।